तो दोस्तों अभी हम जो है आश्रम से निकल चुके हैं क्योंकि ये केदारनाथ मंदिर में आरती का समय होता है। लेकिन आज जो है हम थोड़ा लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें कोई रास्ते मिल गया था तो उनके साथ बात करने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर हमने जल्दी से उन्हें भेज गया, मैं क्या आरती शुरू होने वाली है। तो अभी हम निकल चुके हैं तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा अभी केदारनाथ आरती के। मेरे साथ है हैदराबाद से शिवा बाबा, जो कि सीताराम हर है हर तो अभी महादेव। बाबा, लेकिन अंदर की बात आपको पता नहीं, कभी के टाइम में बाउंसर थे, अभी भी बहुत तगड़ी बॉडी है, छिपा रखी है अंदर। लेकिन थोड़ा गृहस्थी से थोड़ा इंसान कभी कभी हो जाता है, परेशान हो जाता है, चीज़ें बहुत चीज़ें आती है लाइफ में, देखो उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो अभी हमारे ग्रुप के भी कुछ बंदे हैं, ये यहाँ पे अभी घूम रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, और आपको जो है दर्शन कराएंगे आरती के। बहुत सुंदर नज़ारा होता है वहाँ का जब आरती स्टार्ट होती है केदारनाथ मंदिर में, और बराबर में देखें मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी बह रही है बराबर में। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ मंदिर पर, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ का है जब आरती यहाँ पे होती है। बहुत ही मनमोहक, बहुत ज़्यादा मन लगता है, और आज तो बहुत भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2-3 दिन में रास्ते खुले हैं तो बहुत भीड़ है। दिखाता हूँ आपको, देखिए जी है जो पूरी आरती के समय जब तक आरती होती है तब तक डमरू इनका बजता रहता है, तो ये भी बहुत हिम्मत की बात है। भीड़ बहुत है, तो भाइयों बहुत सुंदर दृश्य है मंदिर का, देखो लोगों की जो है मान्यता, देखो केदारनाथ मंदिर के प्रति कितनी है, बहुत शिव भक्त यहाँ पे मौजूद है, बहुत तो ये देखिए किस तरह भीड़ उमड़ जाती है केदारनाथ मंदिर में। अभी आरती जो है वो समाप्त हो चुकी है और किस तरह लोग जो है आरती लेने के लिए आगे आ चुके हैं, और एक बाबा जी, तो ये है ललित रामदास महाराज जी, इनके बारे में हम आपको बताएंगे कभी। ये अभी जो है मंदिर के दर्शन करके जा रहे हैं।